एवरीवन, स्वागत है आपका लेट्स बीट अनएम्प्लॉयमेंट में। आज इस वीडियो में जिस जॉब ओपनिंग की बात हम करने वाले हैं वो आई है AUS यानी कि आरब एनमेंट सिस्टम की तरफ से। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट डेली आपको लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स मिलती रहें। तो अब जानते हैं कंपनी के बारे में जो कि है आरब एनमेंट सिस्टम। ये एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जो कि ड्रोन मैन्युफैक्चर का काम करती है। तो जिस पोजीशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है वो है एंटरप्राइज सॉल्यूशन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। तो ये एक फुल टाइम की जॉब है एंड इसमें एक्सपीरियंस इन्होंने बोला है 0 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस, मतलब कि फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन कि आपका क्या काम रहेगा। तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में इन्होंने मेंशन किया है कि डेटा कलेक्शन, माइंड मैपिंग विद ड्रोन, GIS डेटा आउटपुट रिपोर्टिंग, ऑन फील्ड क्लाइंट मैनेजमेंट, RPS, ड्रोन फ्लाइंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस। देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। तो वो है, सबसे पहले अगर आप एक ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर हैं किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी जो चीज़ इन्होंने मेंशन की है वो है कि गिव अ मिनिमम कमिटमेंट ऑफ 12 मंथ्स। तो आपको कम से कम 1 साल का कमिटमेंट देना पड़ेगा कि आप इस कंपनी के साथ 1 साल के लिए काम करने के लिए रेडी हैं। देन आप एक ऑसम फिट रहेंगे अगर आप सिविल या फिर ड्रोन्स के बैकग्राउंड से हैं। अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से हैं बेसिकली तो आप यहाँ पे एक बेस्ट फिट रहेंगे। देन एक आउटडोर लविंग पर्सन है तो भी अच्छी बात है। और अगर आप एक लोकल पर्सन है झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों लोकेशंस में से अगर आप किसी भी लोकेशन के पर्सन हैं तो आप यहाँ पे एक बेस्ट फिट है। दैट मीन्स कि ये जॉब वहीं की लोकेशन के लिए रहेगी। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं ड्रोन्स की इंडस्ट्री में तो आप यहाँ पे एक बेस्ट फिट हैं। अब देखते हैं कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको अपना रेज्यूमे अपलोड करना है। सबसे पहले रेज्यूमे अपलोड करने के बाद आपको अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, करंट लोकेशन, परमानेंट स्टेट ऑफ रेसिडेंस, आधार नंबर, ये सब कुछ बेसिक सी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि दिस जॉब विल बी टू कलेक्ट डेटा बाय ऑपरेटिंग फ्लाइंग ड्रोन्स ऑन डे टू डे बेसिस यूजुअली एट रिमोट लोकेशंस विच आर हैविंग वेरी बेसिक एमिनिटीज। सो दैट मीन्स कि ट्रैवलिंग यहाँ पे पार्ट रहेगा और आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं इस जॉब रोल के लिए। आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है इफ यू आर ट्रूली फिट फॉर दिस जॉब। देन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आफ्टर योर ज्वाइनिंग एट AUS यू विल बी प्रोवाइडेड विद ड्रोन्स एंड इट्स एक्सेसरीज। तो आपको यहाँ पे भी यस आई एग्री पे क्लिक करना है। थर्ड इनका क्वेश्चन है कि ड्रोन की फ्लाइंग करने के लिए इंडिया में DGCA का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है जिसकी की फीस रहती है, सर्टिफिकेट के लिए फीस रहती है 55,000। कंपनी अपने बिहाफ पे आपको पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी और वो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेगी जो सर्टिफिकेट 10 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा। अब आपकी आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है सबसे पहले। तो आपको जब जॉब मिल जाएगी उसके बाद आपकी सैलरी में से 5,000 पर मंथ एज EMI आपकी सैलरी में से कट किया जाएगा। तो क्या आप इससे एग्री हैं? यस आई एग्री पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास ऑलरेडी DGCA सर्टिफिकेट है, DGCA का ड्रोन पायलट का लाइसेंस है तो आपको यहाँ पे वो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपके पास पासपोर्ट है, अगर है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए आई ऑलरेडी हैव ए पासपोर्ट। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ये क्लिक करेंगे कि आई डोंट हैव वन नाउ बट आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फ्रॉम DGCA। तो आप उसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप अप्लाई कर देंगे। देन यहाँ पे क्वेश्चन है विल यू बी ओपन टू वर्क एट एनी अदर लोकेशंस और स्टेट्स इन इंडिया इफ योर जॉब रिक्वायर्स टू डू। तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना है। देन डू यू वेयर पावर ग्लासेस फॉर आई साइट, तो अगर पहनते हैं तो आपको यहाँ पे वो मेंशन कर देना है। देन उन्होंने बोला है कि प्लीज नोट दैट ऑल फर्दर कम्युनिकेशन फॉर इंटरव्यू एंड सिलेक्शन प्रोसेस लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट, वीडियो इंटरव्यू शैल बी नोटिफाइड टू यू थ्रू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो आप अपना ईमेल यहाँ पे रेगुलरली चेक करते रहिए। तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। तो ये थी आज की जॉब ओपनिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, और जिनके पास जॉब नहीं है, लगता है कि वो एलिजिबल हैं, अपने फ्रेंड्स की मदद कीजिए, उनके साथ ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब ओपनिंग के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे साथ यहाँ पे मिलकर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कीजिए, क्योंकि मिलकर हम अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकते हैं। सो लेट्स बीट अनएम्प्लॉयमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।